नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हो। पहली खबर यार राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में संविधान दिवस को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 26 नवम्बर 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। देश के प्रधानमंत्री जब से पीएम मोदी बने हैं तब से संविधान दिवस की बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान बन के तैयार हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सौंपने का काम किया था। आज के दिन 25 नवंबर 1949 को उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को सरकार ने अंगीकृत कर लिया था और एक अधिसूचना जारी की थी कि संविधान को अंगीकृत कर लिया गया है, मान लिया गया है। लेकिन उस समय की सरकार ने संविधान अंगीकृत करने वाले दिन को संविधान दिवस घोषित करने का काम नहीं किया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2016 में भारत के संविधान को 26 नवंबर को जिस दिन अंगीकृत किया गया उस दिन उसको संविधान दिवस घोषित करने का काम किया। और इस संविधान दिवस को घोषित करने पर अब ये पूरे देश में संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण टोगड़िया का कहना है कि भारत इजराइल जैसा मजबूत देश हो, भारत के हिंदुओं को यहूदियों जैसा प्रभावी संगठन के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी जैसा बनना चाहिए। गौरतलब है कि प्रवीण टोगड़िया आजकल जिलों के भ्रमण पर है, इसी क्रम में वो आज शाहजहां पर पहुंचे थे। मैं तो आनंद है कि मंदिर बन रहा है और हमें आनंद है कि काशी मथुरा भी बन जाएगा और इजराइल जैसी भारत सैन्य शक्ति बनकर पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों से रक्षा करने वाली ताकत भी बन जाएगी। उसके लिए क्या बेस तैयार किया गया है? बस हिंदुओं को जगाओ, यही बेस हम जगा रहे हैं। जाग रहा है हिंदू, जागा है इसलिए तो यहाँ तक आए हैं, मंदिर बन रहा है। अगली खबर औरैया से। औरैया के चर्चित वकील और उसकी बहन के हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक के भाई की संपत्ति को पुलिस ने सीज कर दिया। डबल मर्डर कांड के आरोपी संतोष पाठक के घर पर भारी पुलिस बल और प्रशासन के कई लोग पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में घर का ताला तोड़कर टी बंदर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद सील करने की कार्रवाई की गई। माननीय जिला मजिस्ट्रेट औरैया के न्यायालय से धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सरकार बनाम संतोष पाठक ने इस मकान को ग्राम बेगमपुर के घाटा संख्या 16 में ये संतोष पाठक की पत्नी के नाम जो ये मकान थी इसको पूर्ण करने का आदेश हुआ था। उसी आदेश के अनुपालन में पूर्व में इनको नोटिस जारी की गई थी और नोटिस जारी करने के उपरांत आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और तहसील के नायब साहब और अमीन और जो भी कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति में, प्रयास महिला पुलिस की उपस्थिति में इसको कुर्की का अनुपालन कराया जा रहा है। ये आज से पूरी कुर्की सूख रही है। खबर देवरिया से। देवरिया में समाधान दिवस के मौके पर सभी थानों पर फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण कराया गया। वहीं इस दौरान डीएम अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने थाना लार में जनसमस्याओं को सुनकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश दिए। खबर औरैया से है। औरैया के एरबा कटा थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। थाना दिवस के मौके पर ज्यादातर शिकायत राजस्व से संबंधी है, जिसके चलते थाना दिवस के मौके पर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा और सीओ चकबंदी बीडी वर्मा ने पीड़ितों की शिकायत सुनते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को जमीनी विवाद के मामलों से अवगत कराया। क्या है खेत का मामला? किसने ले लिया? वही पड़ोस वाले ने सब। क्या नाम है उनका? मकान नाम एक तो मिंदुपाल हमारे ही है। हाँ और
फिर क्या हुआ? तो आपने यहाँ तहरीर दे दी, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन दे दी, क्या कहा अभी? आप क्या चाह रहे? हम जो चाह रहे लल्ला कि हमें कहूँ अच्छा खेत मिल जाए, हम 20,000 कांट लगा दें, हम गरीब आदमी, मेरे कोई नहीं बेटा है। खेती हमारी दूसरे ने फर्जी वसीयत कर ली। कैसे, क्या हुआ? मेरे पिताजी पहले ख़त्म हो गए थे, तो वो ज़मीन हमारे नाम में चढ़नी चाहिए थी, उसने फर्जी वसीयत दिखा दी। आपके क्या कोई भाई बहन? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं अकेले। फिर? और वो सुनते ही नहीं कोई। नहीं तो क्या हुआ, किसने किसने दिखाया, किसे दिखाया? वो मेरे अपना मनीराम दूसरों को फर्जी खड़ा कर लिया। मनीराम कौन थे आप? मेरे वो बाबा थे, बाबा दूसरे थे। उसने फर्जी खड़ा किया है। मृत्यु उनकी 1994 में खत्म हुई थी और वसीयत वो 1995 में दिखा रहे हैं। तो तब से आप शिकायत कर रहे हैं लगातार? जी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। खबर गाजियाबाद से। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 5 किलो अफीम के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने झारखंड के 2 अंतर्राज्यीय तस्कर जितेंद्र यादव और इंद्रदेव यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 2 अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर की गिरफ्तारी नंदग्राम थाना क्षेत्र से की गई है, जिनके कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। पूछताछ में अभियुक्त जितेंद्र ने बताया कि वो पलामू झारखंड का रहने वाला है और ये अपने फूफा इंद्रदेव यादव के साथ मिलकर अफीम की तस्करी करता है और ये झारखंड से अफीम ले जाकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के क्षेत्रों में बेचता है और उससे जो है अच्छी मोटी रकम ये लोग कमाते हैं। इसके अलावा जब इनको पकड़ा गया तो ये बताया कि अभी हम लोग मेरठ में जो है 1 किलो अपना अफीम सप्लाई करने जा रहे थे और उसके संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है, टीमें गठित कर दी गई हैं और अग्रिम जो भी विधि कार्रवाई की जा रही है। खबर गोंडा से। गोंडा में एसओजी और परस्पर पुलिस की संयुक्त टीम ने गोकसी के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से अवैध असले के साथ साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि परसपुर थाना क्षेत्र में एक मक्के के खेत में बीते 18 सितंबर को गौवंश के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 25,000 का तीसरा अपराधी फरार चल रहा है। खबर झांसी से है। योगी सरकार भले ही पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए मुस्तैद करने में जुटी हो, लेकिन यूपी पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला झांसी के मोठ कोटवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस रात में तो क्या दिन में भी सोती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर ही सो रही है तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा? रायबरेली में चोरों ने एक घर पर धावा बोल दिया। चोरों ने घर में रखी तमाम नकदी और लाखों के जेवरात पार कर दिए। प्रीता धर्मा कुमारी ने बताया कि जब वो घर से बाहर किसी काम से गई थी, इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर में चोरी की। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है घर से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी बनी है, लेकिन ऐसे में पुलिस पर सवालिया निशानियां भी खड़े होते हैं। सर, हमारे घर में चोरी हुई है। कब हुई है? दिन में 3 बजे। 3 बजे क्या क्या ले गए? सर, कान का हमारे झुमका था, पैर का पायल और पैर की बिछिया थी और जो है सर मेरे बिटिया की पायल थी, हमारे नाक की नतिया थी। अच्छा, और कोई नकदी भी थी? नकदी 10,000 रुपए थे। अच्छा, इसकी सूचना कहीं दिया है? बोल रहे थे, कह रहे दिन में चोरी हुई तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी हैं। अब उसको तो तुम लोग जानो, अब इतनी रोड चल रही कैसे चोरी हुई, रात में हुई वो तो बताओ। मतलब पुलिस दिन की जिम्मेदार नहीं, रात की जिम्मेदार? या तो नाम बताओ तो हम ढूंढ के वो कर देंगे, नहीं तो हम नहीं कुछ कर सकते। अगली खबर सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर भाजपा बूथ प्रभारी के बेटे का कारनामा सामने आया है, जहां जालनेबा हमले के मामले में जमानत पर छूटने के बाद भाजपा बूथ प्रभारी के बेटे ने लाओ लश्कर के साथ जुलूस निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में इसमें नारेबाजी हो रही है, जेल का ताला टूट गया, शेर हमारा छूट गया। यही नहीं, आरोपी ने गाँव पहुँचते ही बादी मुकरमा को धमकी भी दी है, जिसकी उसने लिखित थाने पर शिकायत भी की।
खबर आध्यात्मिक नगरी अयोध्या से है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जय श्री राम जन्मभूमि टी ट्रस्ट के महासचिव संपत राय ने प्राइम टीवी संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा रामलला के विग्रह की होगी। विग्रह पत्थर का बनाया जा रहा है। 5 वर्ष के बालक की खड़ी प्रतिमा, पैरों की तलवे से लेकर ललाट 51 इंच, ये प्रतिमा तैयार हो जाएगी। गर्भगृह में रखा जाना है। गर्भगृह तैयार हो गया। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 3 दिशाओं में सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों पर मकराना का फ्लोरिंग हो रहा है। अंदर फर्श का फ्लोरिंग हो गया। जगह जगह इनले वर्क हो गया। गर्भगृह तैयार है। तो प्राण प्रतिष्ठा की जो बेसिक बातें हैं वो तैयार हो गई। खबर बहराइच से है। 27 नवंबर को पूरे देश में गुरु नानक जयंती भले ही धूमधाम से मनाई जाती है, इसको लेकर लगातार तैयारी हो रही है। और यहाँ बहराइच में भी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में। आज बहराइच में ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के माध्यम से सिख समुदाय के युवकों ने युद्ध कौशल को दिखाया। प्रकाश पुरम को समर्पित यह शोभा यात्रा निकल रही है, जो हर वर्ष की भारतीय परंपरा अनुसार निकल रही है। गुरु नानक देव जी के संदेश को लेकर आज इस सिख समाज सड़क पे निकला है। लोगों के बीच में उनके संदेश, जो जाति भेद को खत्म करने के लिए उन्होंने संदेश दिया था, भेदभाव को खत्म करने का, उस संदेश और उनके गुणगान, उनके शब्द कीर्तन के साथ हम आज सड़क पर निकले हैं। सड़कों की सफाई हो रही है, लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सरपरस्ती में उनके दर्शन कर रहे हैं, और ये पूरा शहर होते हुए हम वापस शाम को गुरुद्वारा साहब पहुँचेंगे। आज गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन के रूप में हम शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। और मेन फंक्शन जो हमारा जो मेन जन जो प्रकाश पूर्व है वो 27 तारीख को, जिसको सर्व समाज कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जानता है, उस दिन हम गुरुद्वारा प्रांगण में ही विशाल कीर्तन और सारे समागम होंगे, लंगर होगा, सब वहीं पे गुरुद्वारा साहब में। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।